अच्छा कैसे आप लोग? बढ़िया। सर लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़ रहे थे? हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, राइट? वी स्टार्टिंग विद पॉइंट चार्ज, देन वी सॉ टू चार्ज, देन थ्री चार्ज, देन वी सॉ रिंग, हाफ रिंग एंड द एंड वी रेड हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो हेमिस्फीयर या सॉलिड हेमिस्फीयर, नहीं? आपको मैं लास्ट क्वेश्चन क्या था, हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर था जो इनफॉर्मली चार्ज एंड द पॉइंट टुवर्ड्स द सेंटर, नहीं इसका आंसर आएगा 3/2 k³/r। इफ अ सॉलिड स्फीयर हैविंग टोटल चार्ज q एंड रेडियस r, आपको प्रूफ करने दिया था एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर, पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज 3/2 k³/r। इसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सेंटर ऑफ सॉलिड स्फीयर, अगर हेमिस्फीयर तो क्या होता? अगर इसको हेमिस्फीयर कर देते हैं तो क्या होता? आपने जो किया उसका जस्ट हाफ। अगर लॉजिक से भी देखो कि जितना पोटेंशियल होगा इसके कारण उतना पोटेंशियल होगा इसके कारण, कॉम्प्लेक्स सिमेट्री है, जितना पोटेंशियल देगा ऊपर वाला पार्ट उतना इंपॉर्टेंट देगा नीचे वाला पार्ट, राइट? तो उस केस में वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यहाँ पे टोटल चार्ज अभी भी अगर मान लीजिए अगर ये पूरा क्यू है तो इस पे चार्ज क्या लगा? क्यू बाई टू, सो पोटेंशियल विल बी 3 k³/r। और अगर इस पे अगर ये दे दे कि अगर सॉलिड हेमिस्फीयर है और इसी पे चार्ज क्यू, इस पे चार्ज क्यू है, अब पोटेंशियल एट ओ क्या होगा? सेम 3 k³/2 होगा, क्योंकि इसी पे चार्ज क्यों दिया हुआ है टोटल, राइट? या ऐसे भी सोचो यार, अगर इसको कंप्लीट करें सिमेट्री से, यहां भी क्यों तो टोटल चार्ज क्यों और क्यों टू क्यों होता, तो पूरे का पोटेंशियल होता 3/2 k² 2q/2 पूरे का ड्यू टू होल स्फीयर, राइट? अगर हम उस सिमेट्री से करें, अगर यहाँ क्यू यहाँ भी क्यू है, अगर इसको पूरा कंप्लीट करें इस पूरे स्फीयर के सेंटर पे क्या होगा? 3/2 k² 2q/2 का टोटल चार्ज 2q, तो ड्यू टू ओनली हाफ पार्ट क्या होगा इसका? हाफ, दैट इज 3 k³/2 कोई दिक्कत? सो इसको हम लोग फिर से करेंगे, जब हम बहुत लोग पढ़ेंगे वहां पे अलग मेथड से करेंगे। कोई डाउट है? नहीं। अगर ये पूरा होता तो इसके सिमेट्रिक फील्ड क्या होगा? जीरो, बिकॉज इसके कारण नीचे, इसके कारण ऊपर, नेट कैंसिल, पोटेंशियल कैंसिल नहीं होता, वो स्केलर है, वेक्टर नहीं है। और हम लोग इसका निकाल चुके हैं सर, यहाँ पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड हम करवा चुके हैं, राइट? सो हम लोग काफी कुछ कर लिया, हाउ टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। आपको अगर याद होगा मैंने आपको वर्क पावर एनर्जी में करवाया था रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी, मैं करवाया था ना आपको रिलेशन बिटवीन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो यहां पे हमने क्या किया, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। सो बिफोर गोइंग फॉर रिलेशन, मैं बार बार बोल रहा हूं कि कंजर्वेटिव फोर्स व्हाट इज कंजर्वेटिव फोर्स, आप रिवाइज कर लो वर्क पावर एनर्जी में कर लियो ना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? इट्स वर्क डन पाथ इंडिपेंडेंट, नहीं, इट्स वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्सेज, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ इंडिपेंडेंट। सो व्हाट डू यू मीन बाय पाथ इंडिपेंडेंट? मींस वर्क डन डिपेंड्स ऑन ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव टू पॉइंट्स ए एंड बी, इफ थ्री पार्टिकल्स गोज बाय डिफरेंट पाथ्स 1, 2 and 3 एंड डबल इफ फोर्स इज कंजर्वेटिव, then W1 equal to W2 equal to W3 होगा।
कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन तीनों पाथ में सेम, राइट। बट यहां पे वर्क डन क्या होता है, ये सब क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स पाथ डिपेंडेंट, फॉर डिफरेंट पाथ्स विल गेट डिफरेंट वर्क डन। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज पाथ डिपेंडेंट and work done by non-conservative force is path dependent. It depends on path taken by body. किस path से जा रहा है? ठीक है? Okay. अब इसको एक और तरीका भी बोलते हैं, अगर path independent है, so अगर कोई point A से गया और फिर A से ही आ गया, अगर path independent है, किसी path अगर closed loop पे जाएगा तो वर्क डन क्या होगा इन दिस केस, जीरो। सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड पाथ, अगर हमने ये लगा दिया मतलब क्या है, पाथ क्लोज्ड है, सो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इन क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज जीरो, इज ऑलवेज जीरो, राइट। सो ये हो गया डिफरेंशियल कंजर्वेटिव फोर्स एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का, आप लोग पहले पढ़ चुके। अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपको कुछ वेक्टर दिया हुआ है, फोर्स दिया हुआ है, सो हाउ टू आइडेंटिफाई इट्स कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव, आपको हम बताया था ना, देयर आर थ्री फॉर्मेट। सो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव है और एफ ए इक्वल टू क्यू ई है, सो अगर फोर्स कंजर्वेटिव है सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो कंजर्वेटिव फील्ड, सो इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड इज कंजर्वेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव अब कैसे पहचानेंगे कि गिवन फील्ड कंजर्वेटिव है कि नहीं कंजर्वेटिव है, इसका मतलब थ्री फॉर्मेट्स है। केस वन, कॉन्स्टेंट फील्ड, आपको हम करवा चुके हैं ना, और सारा कुछ हम लेवल करवा चुके हैं, आपको बड़ा डिटेल में नहीं जाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल हमने E इक्वल टू ए लिख दिया, टू आई प्लस जे माइनस ई, ये कॉन्स्टेंट है मीन्स कंजर्वेटिव होगा। अगर हमको अगर इसके कारण वर्क डन निकालना पड़ेगा, वी डोंट नीड पाथ, कैसे हम एक जनरल लेते हैं, अगर E इक्वल टू है something a i cap plus b j cap plus c k cap, right, तो फोर्स क्या होगा, q into e। now we'll try to find what number is force, so work done will be equal to integration of f dot dr, dr divided by dx i cap plus dy j cap plus dz k cap, dr कर सकते हैं ना, अरे मत पूछ ऐसा पैसे, सब कुछ आपको दिखाया कहाँ था, ए हो गया। अब इसको हम अगर लिखे क्यू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, अब करो इसका डॉट प्रोडक्ट, ये क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी एक्स प्लस बी डी वाई प्लस सी डी जेड, करना आता है ना, आई डॉट आई वो होता है जाएगा क्यू इंटू ए डी एक्स प्लस डी डी वाई प्लस सी डी जेड, आई जे क्या हट जाएगा, डॉट प्रोडक्ट है। अब बताओ अगर हमको इसे इसको इंटीग्रेट करना, वी जस्ट नीड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वी डोंट नीड पाथ, पाथ कुछ भी हो डजंट मैटर, वी कैन फाइंड दिस इंटीग्रेशन इफ यू डोंट नो अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें पाथ नहीं चाहिए, मीन्स वर्क डन निकालने के लिए वी डोंट नीड पाथ, so work done is path independent, so जब भी कोई constant field दिया हुआ तो we always conservative, right, सब repeat कर रहा हूँ मैं। case two क्या था, मैं इसको बिठा रहा हूँ, आप लोग सही बोलते हो सर, आप बोलते हो नहीं आप लोग, तो फिर मैं repeat करता हूँ, आज से लाचार हूँ, मैं कहा था नहीं बताऊंगा लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ, सबको शायद कोई नहीं समझेगा। केस टू, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस इफ एक्स कॉम्पोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज फंक्शन ऑफ एक्स ओनली
y component is function of y only and z component is function of z only. In that case also will be conservative. क्यों? कि अब जब वो अपना निकालेंगे, अभी हम सब कुछ करवा चुके हैं, तो ये होगा QE dot dx i cap plus dy j cap plus dz k cap. Right? Q को बाहर ले लिए, E को रखते हैं, fx i cap plus fy j cap plus fz k cap dot dx i cap plus dy j cap plus dz k cap. क्या होगा अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, ये आएगा fx dx, अरे i डॉट i को वन कर दिया, fx dx क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, fx dx plus fy dy plus fz dz, हमने एक स्टेप वो सिखाया है, fy dy plus fz dz. अगर आपको हम जस्ट अब लिमिट दे दें x i, इसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो, यू जस्ट नीड इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, वी डोंट नीड पार्ट, मान x स्क्वायर है, y स्क्वायर है, y z क्यूब है, कुछ भी है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ना, और सिर्फ x का फंक्शन है और ये सिर्फ y का फंक्शन, सिर्फ z का फंक्शन है, वी कैन इंटीग्रेट. अगर आपका x कंपोनेंट में सिर्फ x है तो हम इंटीग्रेशन होगा समथिंग फंक्शन ऑफ x dx, इट कैन बी इंटीग्रेटेड. या अगर y कंपोनेंट में सिर्फ y है, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. So, ये हमेशा कंजर्वेटिव फील होगा. फर्स्ट क्या था पार्ट, कि कांस्टेंट फील कंजर्वेटिव होगा. सेकंड क्या था, अगर x कंपोनेंट सिर्फ x का फंक्शन है, y कंपोनेंट सिर्फ y का फंक्शन है, z कंपोनेंट सिर्फ z का फंक्शन है, तब भी कंजर्वेटिव होगा. राइट, और थर्ड में जाने से पहले जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूं कि इलेक्ट्रिकली एक सिंपल सा दिया हुआ है वाई आई. अब ये कंजर्वेटिव है कि नहीं है, कॉन्स्टेंट है नहीं, वाई पे डिपेंडेंट है, एक्स कंपोनेंट सिर्फ एक्स का फंक्शन है नहीं, तो फर्स्ट सेकंड कैटेगरी में तो फॉल नहीं किया, तो कंजर्वेटिव हम आए बड़े. अभी तक हम जो करें उसके हिसाब से बोलेंगे नो कंजर्वेटिव, फर्स्ट टू में फॉल नहीं किया. लेट्स चेक, अगर ये है तो फोर्स क्या होगा, क्यू क्यू इंटू वाई आई. अब निकालते हैं वेक्टर, वेक्टर क्या होगा, क्यू वाई आई कैप इंटू डी एक्स आई कैप. अरे डी वाई डी जेड तो खत्म हो गई होगी, इसका वाई जेड जेड कंपोनेंट कुछ नहीं है, तो अब इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिर्फ आई वाला ऐसा हो जाएगा क्यू आई डी एक्स, ये तो जीरो है, वाई इसका जेड जेड इसका वाई कंपोनेंट जीरो है, इसका जेड कंपोनेंट जीरो है, इसको जब डॉट करेंगे तो डॉट प्रोडक्ट लेगा ना, क्या मतलब कि आप लोग इस नहीं समझते हो, इसका डॉट प्रोडक्ट ए वन भाई, इसका तो वाई जेड कंपोनेंट जीरो है फोर्स का. राइट, सो मैं एडिशन कह रहा है क्यू वाई डी एक्स, अब वाई को बाहर Now can we negate this? I just give you some final position. नहीं, क्योंकि यहाँ पे एक y भी variable है, y constant नहीं है. Now just to integrate it, we need the sum between y and x. और ये सब आपको work done में करवा चुके हैं. निकलवाएं क्या? करवाएं work done में? Work done by non-majority force वहाँ पे करवाए थे ना, कि आपको हम पाँच देते थे. सुना हुआ लग रहा है सर? लगता है आपको पता है? नहीं यार, बहुत क्वेश्चन कर रहा है, अलग अलग पार्ट है कि y इक्वल टू x, y इक्वल टू x स्क्वायर, फिर कुछ क्वाड्रेट में देखे, सब कुछ करवाए हैं, अब तो मैं पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ाऊंगा ना, तो इसमें करवाने वाला नहीं. सो अब इसको हमको अगर इंटीग्रेट करना है, वी नीड पाथ. फॉर एग्जांपल आपको दे दिया इट इज अलोंग y इक्वल टू x, तभी ऑर्डर निकाल सकते हैं, मतलब ये फिर पॉसिबल नहीं है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज कंजर्वेटिव. सो अगर ये कंजर्वेटिव फील्ड नहीं है, बिना पाथ इसका हम ऑर्डर नहीं निकाल सकते हैं. फोर्स नॉन-कंजर्वेटिव हो सकता है, बट इलेक्ट्रिक फोर्स नॉन-कंजर्वेटिव नहीं है, सो ये फील्ड नॉट पॉसिबल. दिस टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी कांट है, ये नॉन कंजर्वेटिव फील्ड हो गया, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकता. ऐसा इलेक्ट्रिक फोर्स का हमेशा वर्टन पाथ इंडिपेंडेंट होता है. ठीक है, तो हमने आपको दो तरीका बताया. ठीक है, अब एक और देखते हैं, एक और देखते हैं. इस समय मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया
y i cap plus x कांस्टेंट है क्या? नहीं, वो है डिपेंडेंट है। x कंपोनेंट से x का फंक्शन है क्या? नहीं, x कंपोनेंट y का फंक्शन है, y कंपोनेंट x का फंक्शन है। तो फर्स्ट टू कैंडिडेट फॉल तो नहीं कर रहा है, तो as per that we'll say it is non minority, but wait wait wait, let's check, find force q in देखोगे y dx plus x dy is d of x y। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम, पहले मान लिया y को कांस्टेंट, ये होगा y dx, फिर मान लिया x को कांस्टेंट, हो जाएगा x dy। मतलब दिस टर्म इज d of x y, सो इट कैन बी रिटन एज d of x y। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x y, नाउ पुट लिमिट। Now we can put limit, so it will be xfyf, which will be a, it will be q into xfyf minus xyy, so इसका वैल्यू निकल गया। हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया विदाउट एनी पाथ, सो ये फर्स्ट टू कैटेगरी में नहीं है, तब भी ये कंजर्वेटिव फील्ड है, थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी क्या है, अगर dw परफेक्ट डिफरेंशियल हो, ये परफेक्ट डिफरेंशियल हो, इसको हम बताए थे चेक करने का तरीका, क्या बोले थे चेक करने के लिए, कि अगर आप इसको पास एक ये बताए, देखो वोकल मेथड जो हमने बता रहा है ये एक ट्रिक टाइप बता रहे हैं, उस टाइप एप्लीकेबल नहीं भी हो, बट ये तो है, हमको देखना है परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं। हमने बोला था इसको आप एक्स के स्टार्ट में पार्शियली इंटीग्रेट, पार्शियल इंटीग्रेशन तो वाला कांस्टेंट मान लिया है x y, और इसको आप y के स्पेक्ट में पार्शियल इंटीग्रेट क्या है x y, अगर दोनों सेम आ जाए मतलब वो उसका परफेक्ट डिफरेंशियल है, राइट? कोई दिक्कत? हम बताए थे सिंपल सिंपल में चीज, ये चीज लग जाता है, अगर सिंपल सिंपल है कुछ फंक्शन ऐसा हो जाता है, आप इसको करो x के स्पेक्ट में परफेक्ट पार्शियल इंटीग्रेट, सो करो y के स्पेक्ट में, अगर दोनों सेम है मतलब उसका परफेक्ट डिफरेंशियल है। So now we have three cases. Case three है, ये possible है। तो case one क्या था? If field is constant, it will be conservative field, so that field हो सकता है। Second case क्या था? If x component is function of x only, y component is function of y only, and z component is function of z only, that will also conservative field। और third case क्या है? If dw is perfect differential, so ये तीन type होगा, तो field क्या होगा? ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, ये सब अभी तक अब जितना पढ़ाए कुछ ही नया नहीं पढ़ा, इसको मैं काफी क्वेश्चन करवा के 11th नंबर पढ़ा चुका हूँ। ओके, आपको बता रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग,
आपको बताना है कौन सा फील्ड पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है, कौन सा फील्ड पॉसिबल है, कौन सा पॉसिबल नहीं है। फटाफट करो, फटाफट हो गया सिंपल। अगर हम इसमें चेक करें फर्स्ट वाले में, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, और इसे जेड का फंक्शन है, ये फील्ड पॉसिबल है, राइट। Because यहाँ पे x component constant है, y component constant है, और z component function of z only, so this field is possible. यहाँ पे भी x component सिर्फ x का function है, y component सिर्फ y का function है, z component constant है, so it's possible. यहाँ पे z component सिर्फ z का function है, but x component y का function है, और एक perfect differential भी नहीं है। अगर आप check करोगे इसको, अगर हम करें पार्शियल इंटीग्रेट y, इसको x कंपोनेंट को x के रिस्पेक्ट में आएगा x होगा, और इसको करेंगे z कंपोनेंट को z के रिस्पेक्ट में, ये आएगा z होगा, तो मसले में नहीं आया। सो ये फील्ड पॉसिबल। अब यहां पे x कंपोनेंट सिर्फ x का फंक्शन नहीं है और कांस्टेंट भी नहीं है, तो फर्स्ट टू में फॉल नहीं किया। नाउ यू हैव टू चेक ये परफेक्ट डिफरेंशियल है या नहीं, तो इसको हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में partially integrate, right? x component को x के रिस्पेक्ट पार्शियल इंटीग्रेट करें, क्या है बोलो? पार्शियल इंटीग्रेशन करते हैं, y स्क्वायर कांस्टेंट मानते हैं, ये अगर 2x dx मींस x स्क्वायर, राइट, और x के रिस्पेक्ट x स्क्वायर बाय 2। अब इसको करते हैं y कंपोनेंट को y के रिस्पेक्ट में पार्शियली इंटीग्रेट, ना डेल y, सो x स्क्वायर 2y डेल y, क्या होगा? y स्क्वायर, दोनों सेम आ रहा है, बेसिकली ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल है। इनफैक्ट जब इसको हम लिखेंगे वर्क डन टू आएगा d ऑफ x स्क्वायर y स्क्वायर, सो ये पॉसिबल है। उस तरह ये भी आएगा x y z, ये फर्स्ट टू में फॉल नहीं कर रहा है, बट इफ यू पार्शियली इंटीग्रेट फैक्टर x इन x y z, इफ यू पार्शियली इंटीग्रेट y कंपोनेंट फैक्टर टू y विल बी x y z, which is also x, y, z, so all three are x, y, z, so it's a dw will be d of x, y, z into k, q. So again, it's perfect differential, so it's possible. So three ke alawa aur sara electric field possible hai. So ab bhi main aapko pehle bol gaya, dekhne ek sikha se kaha gaya ki kaun sa field possible hai, kaun sa field possible nahi hai, right? नेक्स्ट थिंग रिलेशन पे आते हैं। तो हम सिर्फ बताएं फील्ड चेक करना, फील्ड पॉसिबल है कि नहीं। अब रिलेशन पे फील्ड इंपॉर्टेंस, ध्यान हमने पढ़ा है डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट, ये पढ़े ना, और आप ये भी जानते हो वर्क डन इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी, पर आपको हम बताए थे डेल्टा यू इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कन्वर्टिंग फोर्स, सो इन दिस केस वी कैन राइट डेल्टा डब्ल्यू इज माइनस ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट, मींस चेंज इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल विल बी नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, पिछले क्लास में करवा चुके हैं। अब डेल्टा यू क्या होता है, क्यू डेल्टा डी, ये भी पिछले क्लास में पढ़े थे, डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी, राइट, सो दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ क्यू
कांस्टेंट है, माइनस ऑफ क्यू ई डॉट डी ओ। सो डेल्टा वी इज माइनस ऑफ, माइनस साइन गलती नहीं है, जिससे जैसे मैं फील्ड एंड डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, राइट। अब बताओ इसका वैल्यू क्या है, जहां थे वहीं पे आ गए। इनफैक्ट प्रेशर पोटेंशियल डेल्टा वी क्या होता है, वी फाइनल वी इनिशियल। अगर हम क्लोज लूप में जाएंगे तो जहां पे थे वहीं पे आ गए, तो क्लोज लूप में ई डॉट डी आर क्या होगा, जीरो, बिकॉज इट कंजर्वेटिव फील्ड। अगर हम पॉइंट ए से गए और फिर से ए पे आ गए तो डेल्टा वी क्या होगा यार, वी फाइनल वी इनिशियल वी माइनस डी ए जीरो। सो ई डॉट डी आर इन क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो, एंड डेल्टा वी इज माइनस ई डॉट डी आर, मैंने यहां माइनस साइन लगाया है। इसका मतलब क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर ई एंड डी आर कर्व इज चेंज इन पोटेंशियल, यस और नो। ये हुआ एरिया अंडर ई एन डी आर कर, उसका नेगेटिव देगा डेल्टा वी। सो नेगेटिव ऑफ एरिया अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड, ये एरिया कब बात करें, जब ई ओ डी आर की एंगल जीरो डिग्री है, इफ ई एन डी आर आर पैरेलल, डाउट है पक्का, ये हम कब लिख रहे हैं, जब ई और डी आर में एंगल जीरो है, जहां से डॉट प्रोडक्ट, यहां पे डॉट है, ये सिंपल ई डी आर नहीं, ई डॉट डी आर है। जब ये पैरेलल है मींस कॉस जीरो वन हो गया, तब इसका एरिया निकला ई डी आर, उसका नेगेटिव डी आर डेल्टा वी, अदरवाइज जनरल में मैं माइनस ऑफ डी आर। दिक्कत नहीं, इतना छाप लियो फटाफट, छापो फटाफट, इसको जल्दी कराओ। हो गया, ओके। डेल्टा वी विल बी माइनस ऑफ एक्स डी एक्स,
राइट, और यू कैन राइट डेल्टा के कोऑर्डिनेशन एट आर यार्ड, ये सकते हैं हम लोग, क्या खेल सकते हैं क्या हम लोग, डी वी इक्वल टू माइनस टी डॉट डी आर ये सुना डाल से डी डब्ल्यू होता ना, डी डब्ल्यू क्या होता माइनस एफ डॉट डी आर, तो डी डब्ल्यू क्या माइनस टी डॉट क्यू क्यू कट गया, अरे यार कोई दिक्कत नहीं, एडिशन में हटा दिया, यहाँ से डी वी कट गया डेल्टा भी, सो इट कैन बी रिटन एज माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस ई वाई डी वाई माइनस ई जेड डी जेड। नाउ इफ डी वाई इक्वल टू डी जेड इक्वल टू जीरो, अगर डी वाई एंड डी जेड जीरो हो जाए, ये और ये जीरो कर दें तो डी वी क्या हो जाएगा माइनस ई एक्स डी एक्स, राइट, सो यू कैन राइट ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई, बट ई एक्स माइनस डी वाई डी एक्स इक्वल कब हुआ, जब डी वाई डी जेड जीरो है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जब डी वाई डी जेड जीरो है, जब ये रिलेशन है तब भी आया, अदरवाइज ई एक्स इसके इक्वल नहीं था, डी वी इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स कब आया, व्हेन डी वाई एंड डी जेड इज जीरो, सो हमको लिखना पड़ेगा ये कब है, इफ डी वाई इक्वल टू डी जेड इक्वल टू जीरो मीन्स वाई एंड जेड कॉन्स्टेंट, मीन्स जब वाई और जेड कॉन्स्टेंट है देन यू कैन राइट ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, इस इतना जो हम लिखे हमको पूरा ब्रैकेट साथ लिखना पड़ेगा, दिस इज सेम एज ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, अगर हमने डेल लगा दिया मतलब वाई और जेड एक्स के अलावा दुनिया का हर चीज कॉन्स्टेंट है, तो या तो हम ये लिखेंगे ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स इफ वाई और जेड कॉन्स्टेंट, या डायरेक्ट लिख देते हैं ई एक्स इक्वल टू माइनस डी वाई डी एक्स, हमने जो ही डेल लगा दिया मीन्स वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट, सो इसमें जरूरत छाप लियो, सो वी कैन राइट सिमिलरली फॉर ex इफ यू आर रिटेन माइनस डेल वाई डेल एक्स, सिमिलरली वी कैन राइट ey एंड ez, सो व्हाट वी गॉट ex इज इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल x, ey इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल y, एंड ez इक्वल टू माइनस डेल v बाय डेल z, आपको अगर याद होगा ना वो ओरिजिनली करवाया था कंजर्वेटिव फोर्स का एक्स कंपोनेंट fx इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, fy इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई, एंड fz इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल जेड, वी हैव डन इट राइट इन ऑफ पावर एनर्जी, तो सिमिलरली वी हैव गॉट ex इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, ey इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई, एंड z इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल जेड, सो यू कैन राइट e वेक्टर इज इक्वल टू माइनस साइन नहीं छोड़ देना माइनस डेल यू बाय डेल एक्स i कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप माइनस डेल बी बाई डेल जेड, कोई दिक्कत नहीं, सब क्या ई वेक्टर, सबको दो जैसे निकला, एक अगर आपको वी दिया हुआ है आप ई निकाल सकते हो, जैसे हमने वोकैबुलरी में किया था यू दिया रहता था एफ निकालते थे, सेकेंड अगर आपको ई दिया हुआ है आप डेल्टा वी निकाल सकते हो, डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड, अब आप दोनों चीज कर सकते, अगर आपको ई का फंक्शन दिया हुआ है ई वेक्टर दिया हुआ है किसी भी दो पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो, अगर आपको वी दिया हुआ है तो आप किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, एम आई क्लियर विदाउट नहीं सो क्वेश्चन बेटा, मैं क्लियर कर रहा हूँ इस टाइम बहुत सारा क्वेश्चन आपको पावर एनर्जी वर्क पावर एनर्जी में करवाए थे, वहां पे जहां यहाँ ई है वहां पे था एफ और यू है वहां पे था, जहां वी है वहां था यू, सिंपली टू क्यू कट गया सिर्फ फॉर पेपर, नेक्स्ट क्वेश्चन इफ यू इक्वल एक्स स्क्वायर
assignment, everything assignment. They have been given u as a function of x, y, z, x squared, y, z. You have to find magnitude of electric field at point 1, 1, 2. Option A 7, option B root 20, option C root 21, option D root. चलो u आपको दिया हुआ है, so E क्या होगा? माइनस डे यू बाय डेल एक्स वाई क्या, माइनस डे यू बाय डेल वाई जे क्या, माइनस डे यू बाय डेल जेड है ना। अब करते हैं, जब एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई और जेड को कांस्टेंट मानेंगे, माइनस डेल बाय डेल एक्स एक्स स्क्वायर वाई जेड वाई क्या, माइनस डेल बाय डेल वाई x squared y z minus del by del z कोई दिक्कत नहीं। अब जब इसको करेंगे हम x के रिस्पेक्ट में पास है डिफरेंस ये मींस y z क्या है कांस्टेंट तो इट विल बी माइनस ऑफ y z del x squared by del x dx होपफुली इट्स क्लियर। जो डाउट है दिस मच आ गया। करते हैं y के रिस्पेक्ट में तो x और z कांस्टेंट है और डेल और डेल y बदल जाएगा तो x स्क्वायर z जी क्या। इसको करते हैं z के रिस्पेक्ट में ये कांस्टेंट है डेल z और डेल z 1 है माइनस x स्क्वायर y भरा हुआ ऐसा क्वेश्चन इंट्रोडोम में सब स्पेल सिंपल है कोई दिक्कत है नहीं। सो हो गया माइनस 2xyz y क्या माइनस x स्क्वायर z जी क्या माइनस x स्क्वायर y नाउ पुट x y x1 है y1 है z2 है ये 1 1 2 -4 है तो हम निकाल रहे ये हुआ जनरल कि किसी पॉइंट पर मैंने e निकाला नाउ आई एम फाइंडिंग एट पॉइंट 1 1 2। अगर पूछेगा सिंपली फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये जनरल है कि जनरल वेक्टर फॉर्म है माइनस 2xyz i कैप माइनस x स्क्वायर z j कैप माइनस x स्क्वायर y k कैप ये इसका जनरल फॉर्म है। नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड एट पॉइंट 1 1 2 सो नाउ आई एम पुटिंग वैल्यू हमने 1 रखा 1 रखा 2 रखा माइनस 4 आई क्या माइनस x स्क्वायर z सो x क्या हुआ 1 सो 1 स्क्वायर इनटू z क्या है 2 z कितना है 2 सो माइनस 1 स्क्वायर इनटू 2 माइनस 2 j क्या माइनस x स्क्वायर y सो 1 स्क्वायर इनटू 1 1 सो नाउ इट्स फाइंड मैग्नीट्यूड अंडर रूट माइनस 4 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 1 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 4 20 प्लस 1 अंडर रूट कोई दिक्कत है नहीं ना। अरे भाई जब आपको u का फॉर्म u दिया हुआ है वहां से e निकाल सकते हो ना ये करके हमने पहले e निकाल लिया इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया आ गया माइनस 2xyz i कैप माइनस x2z j कैप माइनस x2y k कैप सो ये हमको i j k मिल गया। नाउ वी हैव टू फाइंड एट 1 1 2 पुट xyz हमने रख दिया आ गया माइनस 4 योर xyz 1 into 1 into 2 माइनस 4 i कैप माइनस 2 j कैप माइनस 1 into 1 k कैप इसको मैं चुन लूंगा find magnitude of electric field
मैंने जो अपना टिक फिल एट पॉइंट टू वन वन आप लोग निकाल लिया होगा, तो मैंने कर लिया था पिक कर लिया होगा, सो आई विल एनफ टाइम, सो विल फाइंड ई माइनस ऑफ डेल बाय डेल एक्स राइट डेल बाय डेल वाई डेल बाय डेल जेड ये क्या ई करा डेल बाय डेल डेल बाय डेल बाय डेल बाय डेल जेड ठीक ओके। अब इसको हम लोग एक्स के स्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें वन बाय वन करते हैं, इसको करेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर टू एक्स सो माइनस ऑफ माइनस कॉमन लेते हैं इसका क्या आएगा वाई स्क्वायर टू एक्स इसमें तो सारा कांस्टेंट ही है सर इसमें क्या जाएगा जीरो उसमें सारा कांस्टेंट है व्हाट इज डिफरेंस ऑफ रिस्पेक्ट टू एक्स जीरो और इसमें y स्क्वायर कांस्टेंट मान है x स्क्वायर का 2x राइट सो दिस मच आई कैन दिस मच आई कैन कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करते हैं तो पहले हम क्या करेंगे कांस्टेंट मानेंगे x स्क्वायर को y के रिस्पेक्ट में करना है तो x स्क्वायर को हम करेंगे y के रिस्पेक्ट में करेंगे प्लस मैं इसको बाहर ले चुका हूं मैं प्लस x स्क्वायर इनटू और इसको करेंगे इसका स्टोरी कंप्लीट है हमने x स्क्वायर को हम करना y को डिफरेंशिएट किया अगर सिंपल डिफरेंशिएशन है 2y और जब इसको करने जाएंगे तो z को कांस्टेंट मानेंगे 2z कांस्टेंट बचेगा सिर्फ 2z राइट प्लस अब इसको करते हैं ये तो पूरा कांस्टेंट है बिकॉज हम जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन यहां पर जेड कोई फंक्शन नहीं है ये कांस्टेंट इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो गया प्लस इसका जेड को अगर आप जेड के रिस्पेक्ट करते हैं वाई कांस्टेंट जाएगा तो जाएगा टू वाई दिस मच सब क्या हो गया बोलो माइनस ऑफ इसको कैसे लिखने रहा हूं आपके सामने सब कुछ लिखा हुआ ही है अब सिर्फ वैल्यू पुट करते हैं अब एट टू वन वन एट टू वन वन इस पॉइंट पे निकालते हैं क्या होगा माइनस वाई स्क्वायर तो वाई मेरा क्या है वन इंटू टू एक्स एक्स है टू सो वन इंटू टू इंटू टू दैट इज फोर Am I clear? ये जनरल था और हम निकाल रहे टू वन वन पे कोई दिक्कत है y स्क्वायर वन स्क्वायर टू इंटू टू जितना मैं सॉल्यूशन कर देंगे हमेशा डर लगा रहता है प्लस अब यहां रखो टू स्क्वायर फोर इंटू टू एट प्लस टू टू जेड जेड इज वन सो टेन जी क्या पक्का ना अरे एक्स स्क्वायर टू स्क्वायर फोर इंटू टू इंटू वन एट प्लस टू इंटू जेड जेड इज वन प्लस टू वाई वाई जगह वन टू दिस इज एट टू वन वन इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर फोर स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर सिक्सटीन प्लस हंड्रेड प्लस फोर यही ना अंडर फोर स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर सिक्सटीन प्लस हंड्रेड वन सिक्सटीन प्लस फोर अंडर रूट वन ट्वेंटी कोई डाउट है क्या फटाफट छापो ये सही होना चाहिए था सबका क्लियर पक्का ओके सो अभी तक मैंने आपको क्या करवाया आपको हमने U का फंक्शन दिया था और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाया राइट और आप जनरल निकाल सकते हो फिर किसी पॉइंट पे भी निकाल सकते हो ना यहां तक कोई दिक्कत है क्या नहीं ओके अब आते हैं अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है और किसी दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकल राइट दूसरा पॉइंट या बीन गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यू हैव टू राइट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स
by the way, we have two announcements, right? First, I have given you assignment 3 with deadline. और काफी टाइम दिया आपने. अब देखो आई थिंक ऑलमोस्ट 1 year 60 क्वेश्चंस है. लुक पर डे 8 क्वेश्चंस. आप 8 क्वेश्चन में कितना मिनट 15 टू तो मैक्सिमम 30 मिनट्स. तो पर डे हाफ आवर में पढ़ने के लिए दूंगा बस. मैं बना हो जाती है जहाँ देते नहीं है. सेकेंड आपको आपका ये है टेस्ट है कब वेंसडे को शायद है ना. मैंने अनाउंस कर दिया है मुझे याद नहीं है शायद शायद वेंसडे पर. वेंसडे को इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमम क्वेश्चन इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन में दिया है आपको. इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ क्वेश्चन पोटेंशियल से भी है तो आपको पूरे डिवाइस करते हैं. सिंपल टेस्ट दिया हूँ बिल्कुल बेसिक्स का कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है. एक आधो क्वेश्चन पर सारे क्वेश्चन बेसिक्स ठीक है. और आपको उसी दिन जो डेड लाइन के अंदर आपको टेस्ट अटैम्प्ट लेना है और टेस्ट एक्सपायर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एम गिविंग यू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर. लेट्स से जो इज 2i + j - k. इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन 2i + j - k. पॉइंट इज 1, 2, -1. हमने आपको यह पॉइंट क्या दिया 1, 2, -1 एंड पॉइंट बी इज 0, 3, 2. देन क्वेश्चन इज फाइंड PA - PB. एवरीथिंग इज इन असाइनमेंट. अच्छा अगर इंटरन पर कुलम है इतने ऑप्शन है वोल्ट पर मीटर बिकॉज ये dV/dx था. फटाफट ऑप्शन है क्या. चलो ऑप्शन ए. फटाफट यू हैव टू फाइंड VA - VB. हो गया. चलिए मैं करता हूं. क्या करें डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ऑफ यहां तक सिंपल कर सकते हैं क्योंकि यहां पे कांस्टेंट है ई डॉट माइनस ऑफ सिंपली ई डॉट डी आर कर सकते हैं. पर आपको जनरली सिखाते हैं अरे यहां पे चूंकि ई कांस्टेंट है बाहर जाएगा क्या जाएगा डेल्टा वी सिंपली माइनस ऑफ ई डॉट डी आर. तो दो मिनट क्या बोल रहा हूँ डेल्टा वी इक्वल टू क्या था माइनस की डॉट डी. अब अगर ये कांस्टेंट है उसको इसका सिंपली ई को बाहर ले सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ डी. अगर ई कांस्टेंट है ई कांस्टेंट माइनस की डॉट इट कैन बी डिटैच कब व्हेन ईच कांस्टेंट यहां पे ई कांस्टेंट है इफ ईच कांस्टेंट कोई एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट तीनों कांस्टेंट है. अब मेरा ई वेक्टर क्या है 2i + j - k. आर वेक्टर फाइनल से जाना है इनिशियल से फाइनल. फाइनल कौन है ए बिकॉज ये मैंने भी पूछा है हमको जाना है फाइनली ए पे और ये डी है ये माइनस में भी पूछा है बी टू ए जाना है तो देश आर क्या हुआ फाइनल माइनस इनिशियल सो 1 - 0 आई कैप 2 - 3 - 1 के कैप -1 - 2 - 3 के कैप. समझ रहे हो ना बच्चों बोरिंग हो गया कुछ बातें करनी चाहिए नहीं क्यों यस बोर हो रहे हो ना यहाँ पे चेयर गर्ल्स को क्या कुछ लंबा रहता है इनका बोरिंग हो जाता है लंबा क्लास होगा मजा नहीं आता है देखने में कभी वीडियो देखने में यूट्यूब पे मूवी देखने में तो बोर नहीं होते हो तो फिर इसमें क्यों बोर हो जाते हो भाई हुँ? बहुत जल्दी आप लोग बोर हो जाते हो. बोलो नहीं नहीं कोई रिटर्न नहीं चलेगा
क्या मजा आएगा सिर्फ क्लास में बात गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मस्ती रहेगा। तो विवेक देख लो अभी तो हंसी रुकी नहीं रही। माय कुछ कमेंट करना चाहे बट कर नहीं सकता है। सो वी हैव टू राइट माइनस ई डॉट आर। हमको ई वेक्टर दिया हुआ है भाई और आर वेक्टर मतलब फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल होगा 0 3 2 नो सॉरी फाइनल है 1 2 माइनस 1 बिकॉज ए है और इनिशियल है ये तो 1 माइनस 0 आई कैप 2 माइनस 3 माइनस जे कैप माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 के कैप। एम आई क्लियर? सो नाउ वी हैव टू फाइंड डॉट प्रोडक्ट। माइनस आई को आई से मल्टीप्लाई करते हैं 2 1 2 माइनस 1 से माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 3 प्लस 2 5 माइनस 1 माइनस 4 एम आई क्लियर। डेल्टा भी यहाँ पे क्या है वी ए माइनस वी बी। ये हुआ एक कब कर सकते हैं डायरेक्ट जब ये कांस्टेंट था अदरवाइज जनरल मेथड क्या होगा जनरल भी करते हैं जनरल मेथड मिटा दो इसको। जनरल में क्या करेंगे डेल्टा बी इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड है ना मेरा यही था ना याद रखता है माइनस ई एक्स डी एक्स एक्स कंपोनेंट क्या है टू डी एक्स निश्चित से फाइनल फाइनल कौन है ये निश्चित कौन है जीरो एस का लिमिट क्या होगा जीरो से वन प्लस ई वाई क्या है वन निश्चित से फाइनल थ्री टू टू ई जेड माइनस वन जेड कंपोनेंट वन और माइनस वन माइनस वन निश अच्छा तो कंपोनेंट नहीं पता है गधे एस कंपोनेंट टू वाई कंपोनेंट वन जेड कंपोनेंट माइनस वन कुछ भी पूछो है क्या जो मन सब पूछते रहता है लिमिट निश्चित टू फाइनल टू टू माइनस नाउ इंटीग्रेट इंटीग्रेशन डीएक्स का क्या होगा एक्स टू एक्स वन माइनस जीरो वन वाई टू माइनस थ्री प्लस माइनस वन निश्चित टू फाइनल माइनस वन माइनस टू देखो सेम थिंग आया टू माइनस वन वन प्लस टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस प्लस प्लस थ्री थ्री प्लस टू फाइव माइनस वन फोर या माइनस वन माइनस फोर फोर। सो डर मैटर आप कैसे करते हो आंसर विल बी सेम। आपको जो करना है करो। पहला था वेरिएबल ओनली पॉइंट वाज इलेक्ट्रिक फील्ड वाज कांस्टेंट एंड सेकंड मेथड इज जनरल मेथड विच कैन बी अप्लाइड एवरी टाइम गुड आउट है। सो एक और क्वेश्चन दे के आगे बढ़ जाते हैं। y square j cap minus z k cap point A is 0 1 2 and point B is 2 minus 2 0. Question is if VA equal to 10 volt find VB. क्या है? If VA equal to 10 volt you have to find VB. ठीक है, मैं भी ट्राई कर रहा हूं करो
हो गया। चलो अब यहाँ पे डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई डॉट आर यूज कर सकते हैं क्या? नहीं, तो यहाँ पे ई कांस्टेंट नहीं है। डेल्टा वी इज इक्वल टू माइनस ई एक्स डी एक्स माइनस माइनस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। अब ई एक्स क्या है मेरा? एक्स, सो एक्स डी एक्स। इनिशियल से फाइनल वी भी हम निकाल रहे हैं, वी भी माइनस बी निकाल रहे हैं, वी बी माइनस वी ए। सो फाइनल पॉइंट इज बी, इनिशियल पॉइंट इज ए, सो ए टू बी जीरो टू टू प्लस ई वाई, ई वाई क्या है? वाई स्क्वायर डी वाई। फाइनल टू इनिशियल, सॉरी इसे तो फाइनल वन टू माइनस टू राइट प्लस ई जेड दैट इज माइनस वन डी जेड टू जी। तो दिक्कत है बिकॉज मेरा इनिशियल पॉइंट ए है और फाइनल पॉइंट बी है। सो अब लिखते हैं वी बी माइनस वी ए इज इक्वल इसका आंसर एस स्क्वायर बाय टू माइनस लगा देते हैं पहले इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर बाय टू लिमिट जीरो प्लस y क्यू बाय थ्री लिमिट वन टू माइनस टू प्लस dz है सो z। कोई दिक्कत? ओ सॉरी यहाँ पे माइनस z है माइनस z सो z स्क्वायर माइनस ऑफ जेड स्क्वायर बाय टू लिमिट जी। देखो कोई गलती तो नहीं है, ध्यान देखो पक्का। और रखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर फोर माइनस जीरो फोर बाय टू प्लस माइनस टू क्यू माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन बाय थ्री माइनस माइनस जीरो स्क्वायर माइनस टू स्क्वायर माइनस फोर बाय टू माइनस टू माइनस माइनस प्लस प्लस टू। सिंपल कैलकुलेशन है आप देख लेना फोर माइनस थ्री वन माइनस वन वोल्ट आया। सो वी बी माइनस वी ए कितना आया? माइनस वन वोल्ट। सिंपल कैलकुलेशन है चेक करो कुछ नहीं है। सो वी बी हमको निकालना है सो वी बी इक्वल टू माइनस वन प्लस वी ए दैट इज माइनस वन प्लस टेन नाइन वोल्ट। क्लियर? सबको दिख रहा है सारा कुछ ना? नहीं दिख रहा था बोल नहीं पाओगे, मुझे ही देखना पड़ेगा कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। दिख तो रहा है। सो कितना आया? नाइन वोल्ट। क्लियर? मिटाए
या तो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू वाई आई प्लस एक्स जे एंड वी ए इक्वल टू 5 वोल्ट देन फाइंड वी बी। बस इस टाइप का लास्ट, ज्यादा टाइम पास नहीं करूंगा, हो गया। अब ये फर्स्ट सेकंड फॉर्मेट में तो नहीं है, ये नहीं फर्स्ट फॉर्म में, नहीं सेकंड फॉर्म में, कांस्टेंट है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड से एस ऑपोजिट का इसका फंक्शन है नहीं। नाउ विल राइट डेल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। हम निकालते हैं वी बी माइनस बी, सो दैट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ, फाइनल क्या है बी 4 3, इनिशियल क्या है ए 2 माइनस वन वाई डी एक्स प्लस एक्स डी दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी ऑफ एक्स वाई, राइट, जगह इंटीग्रेशन का एक्स वाई लिमिट 2 -1 टू 4 Now put limit x 4 y 3 4 into 3 12 minus 4 into 3 12 minus 2 into minus 1 2 into minus 1 minus 2 minus 1 is plus, so minus 2. So what we got, Vb minus Va is equal to 12 plus 2 minus 4. दिक्कत, और ये लिमिट है, आप ये सब पूरा बोर्ड छोड़कर सब कंफ्यूजन हो जा रहा है। ये हमने लिखा है फर्स्ट स्टेप, ये ए टू बी है, ये भी ए टू बी है, इससे अच्छा मिलते हैं और आपको ए से बी का पॉइंट पता है, ए टू बी क्लियर है ना। अरे लिमिट रखा एक्स वाई 4 इंटू 3 12 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 12 माइनस माइनस 2 और ये 12 प्लस 2 14 माइनस 14, सो वी बी माइनस बी ए माइनस 14, सो वी बी इज इक्वल टू माइनस 14 प्लस बी ए माइनस 14 एंड व्हाट इज बी ए, बी इज 5 वोल्ट, सो दिस मच वोल्ट इज इक्वल टू माइनस 9, दिस इज इक्वल टू माइनस 9 वोल्ट। Am I clear? कोई डाउट है? नहीं ना? सो इस टाइप हमने बोल दिया, ठीक है? और हमने क्या देखा? अगर E और D are parallel हो, so area under E and R curve graph gives minus of delta V. The minus of area gives delta V. Okay, आपको कितने हैं ये भी मिलता है? अगर मान लें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक डायरेक्शन में, हमने लिखा E equal to this, right? अब अगर if electric field only x, E is only along x, तो y object 0 हो जाएगा, so E equal to हम लिख सकते हैं minus del v by del x, और सिर्फ x के along है, तो हम also लिखेंगे minus del v by del x. बोल दिया कि है नहीं, तो आपको लिखा हुआ मिलता है, अगर E is this, एक्चुअली तब वो कहेंगे ये मूल लिखा मिलता है E वेक्टर फॉर्म में माइनस dv by dx, इतना ही सही है सब। हमको i cap j cap z ये हम लोग लिखते हैं कब, जब हमको बात कर रहे हैं माने कि v equal to something दिया बोल में r square कुछ पूरा पॉइंट हम लोग लिखते हैं e equal to minus dv by dr dv by dx। So, यहां देखिए हम लोग वी और आर ग्राफ का जो स्लोप होगा उसका नेगेटिव कर देगा ई, यहां पे वेक्टर लिखना भी सही होगा। ये हम लोग कब यूज करते हैं, जब आपको वी मान दिया हुआ है समथिंग वन बाय आर, मतलब पोलर पॉइंट में दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे ई इक्वल टू माइनस डी बाय डी आर, क्लियर बढ़ाओ नहीं। सो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ VR graph, D
gives. Clear? Clear? नहीं? हम दो चीज देखा, एक चीज क्या देखा, अगर आपको E और X का ग्राफ दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड X के लॉ और E और X का ग्राफ दिया हुआ है, तो नेगेटिव ऑफ एरिया विल गिव यू डेल्टा V. एंड सेकंड थिंग, अगर आपको V और X का ग्राफ दिया हुआ है या V और R का ग्राफ दिया हुआ है, तो नेगेटिव ऑफ स्लोप गिव्स इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर? क्या दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड X के लॉ में, आपको V दे दिया X के साथ, उसका स्लोप क्या देगा, नेगेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. सो इसका हम लोग क्वेश्चन करते हैं. हम आपको ग्राफ लेते हैं ई वर्सेस एक्स, असल में दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली अलाउ एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का सिर्फ एक्स कंपोनेंट है, कोई वाई और जेड कंपोनेंट नहीं. क्वेश्चन है, फाइन वी बी माइनस थ्री वेर पॉइंट बी इज 2.0 एंड ए इज 12.0. फाइन, आपको फाइंड वी बी माइनस थ्री है, फटाफट आपको फाइंड वी बी माइनस थ्री है. पहली बात, यहां पे मेरा ए है, ये बी है और ये ए है, सब इस ई एरिया निकालना है, मतलब ए निकालना. ये एक रेक्टेंगल है, राइट? सो इसका एरिया होगा 4 × 20, इसका एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 20, और इसका एरिया देखेंगे, सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो बेस है 4 − 20, तो दिक्कत हाफ इंटू 4 × −20, सो ये −40 पक्का. थोड़े एरिया 80 + 20 100 − 40 एरिया आ गया 60. एरिया क्या आया 60. सो अभी आपको हमने बोला डेल्टा वी इज नेगेटिव ऑफ एरिया, डेल्टा वी माइनस 60.
और जब हम एरिया निकाल रहे हैं तो हम यहां से यहां तक पूरा निकाले हैं, हमने यहां से यहां तक पूरा लिया है ग्राफ, तो फाइल हमने क्या लिया है ये, तो ये जो माइनस सी क्या है, ये माइनस लिया है, बी माइनस लिया है, मेरा फाइनल ये है, इनिशियल ये, जब हमने एरिया निकाला मैं उसको सस्पेंड करूंगा, मैंने आपको बोला एरिया नेगेटिव ऑफ एरिया गिव्स, नेगेटिव ऑफ एरिया गिव्स डेल्टा वी, ये बोला था ना। सो हम यहां से यहां तक गए हैं, स्टार्ट यहां से किए यहां तक गए, मेरा एरिया कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, क्वेश्चन में दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने एक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स, मतलब हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स हमने इसको पॉजिटिव माना हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है, अगर यहाँ प्लस दिया तो यहाँ प्लस एक्स में, और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया माइनस एक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के लॉन्ग है, मतलब आइदर प्लस एक्स और माइनस एक्स, अगर यहाँ पॉजिटिव है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस एक्स में, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस एक्स, ठीक है। सो अगर हम उस लॉजिक से जाते हैं, सो एरिया विल गिव यू नेगेटिव ऑफ डेल्टा वी, एरिया कितना आया 60, एरिया कितना आया 60, अगर 60 आया तो नेगेटिव पे डेल्टा वी, नेगेटिव पे आएगा माइनस 60, डेल्टा वी का फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल पॉइंट यहां पे ए है, इनिशियल पॉइंट बी है, बी माइनस बी है माइनस 60, मैंने पूछा क्या है, बी माइनस बी है क्या है 60, मतलब बी का पोटेंशियल ज्यादा है ए का पोटेंशियल कम है, इसको मैं समझ सकता हूं। अब हां आप एग्जांपल इक्वल टू नो ऑप्शन में अगर डी भी पॉजिटिव हो ई क्या आएगा नेगेटिव, अगर ई मानते हैं पॉजिटिव, चलो ई अगर पॉजिटिव है, हम सिर्फ एक्स में बात कर रहे हैं, हम थ्योरी में बात कर रहे हैं, सिर्फ वन डी बात कर रहे हैं, ई पॉजिटिव है तो अगर एक्स के लॉन्ग जा रहे हैं, मतलब डी एक्स भी पॉजिटिव है, तो उस केस में डी भी क्या होगा, इफ ई इज पॉजिटिव then along x dt will be negative, अरे हाँ नहीं, अगर हम x के डायरेक्शन में जाते हैं, इधर जा रहे हैं, so अगर मेरा e पॉजिटिव है, इधर जाने dx पॉजिटिव है, dv क्या होगा निगेटिव, means इलेक्ट्रिक फील्ड अगर dv निगेटिव है तो उधर पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, so इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसको मैं एक और तरीके से बता रहा हूं, अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज है, अगर इससे दूर जाते हैं पोटेंशियल घटता है ना, कि पोटेंशियल होता है के क्यू बाय आर, सो जैसे जैसे हम लोग दूर जा रहे हैं पोटेंशियल घट रहा है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है इस डायरेक्शन में, मतलब ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लिख लेना इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब इसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, इस क्वेश्चन में फिर से आएंगे, चलो पहले ये पता नहीं पहले और चलो और इसको एक्सप्लेन करते हैं, हमने क्या बोला इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, जिसे आपको नीचे बताया हुए थे, इसको हम इससे फिर से आएंगे इस क्वेश्चन पे, हमने आपको ये बताया था प्लस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा और माइनस चार्ज पे इधर फोर्स लगेगा इधर, मगर माइनस क्यू चार्ज हो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ई का डायरेक्शन हमने फिक्स कर दिया,
ई इज फ्रॉम हायर टू लोअर, तो प्लस चार्ज प्लस हो जाएगा, प्रेशर रहेगा हायर प्रेशर लोअर प्रेशर, माइनस चार्ज ऊपर रहेगा इधर, माइनस चार्ज को फ्रॉम लोअर प्रेशर टू हायर प्रेशर, वो लिखाया था। एक अच्छा कोई चार्ज फ्री टू मूव, इट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर बिकॉज कोई चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन दिस डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर, इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है पोटेंशियल इधर घट रहा है उधर, सो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया इधर तो माइनस डीवी बाई डीएक्स, तो डीवी बाई डीएक्स यहां पे क्या होगा नेगेटिव, अगर एक्स इधर पॉजिटिव है डीवी नेगेटिव है, यहां से यहां गए डीवी क्या होगा नेगेटिव। सो अगर इस केस में देखे तो इस केस में डीवी बाई डीएक्स क्या है नेगेटिव, तो माइनस डीवी बाई डीएक्स क्या हो गया, कोई डाउट है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम ऑलवेज हायर टू लोअर पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड उधर गया, अगर यहां प्लस चार्ज रखेंगे उस पर फोर्स उधर लगेगा, तो प्लस चार्ज इफ इट इज फ्री टू मूव इट मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट इफ यू कीप माइनस चार्ज विल एक्सपीरियंस फोर्स इन दिस डायरेक्शन बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, सो माइनस चार्ज विल कम फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, होपफुली आई एम क्लियर। उट है इलेक्ट्रिक फील्ड जाता है हायर से लोअर पोटेंशियल, तो प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड से उधर ही फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज तो उसका उल्टा फोर्स लगता है, सो नेगेटिव चार्ज विल कम फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल बिकॉज इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नेगेटिव चार्ज इज इन दिस डायरेक्शन टुवर्ड्स मी, एंड इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय पॉजिटिव चार्ज इज अपोजिट टू मी इन दैट डायरेक्शन विल गो फ्रॉम हायर टू। आप लोग लिख लिया है ना, इसको मैंने यहां भी दिखाया कि जब हम जाते हैं ए से बी पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है तो डीवी मेरा नेगेटिव है, और यहां से यहां डीएक्स पॉजिटिव बिकॉज एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है, तो डीएक्स मेरा पॉजिटिव है, तो होल टर्म क्या हो गया नेगेटिव, सो माइनस डीवी बाई डीएक्स का हो गया पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड का माइनस डीवी बाई डीएक्स पॉजिटिव हो गया पॉजिटिव, क्लियर, तो सिर्फ एक्स कंपोनेंट है वाई जेड कंपोनेंट नहीं है, माइनस डीवी बाई डीएक्स, क्लियर। सो आपने लिख लिया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम, इंपॉर्टेंट है बहुत काम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड टू से लेकर एट तक, फ्रॉम 20 to 80 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, मैं आपको समझा रहा हूँ दिखा रहा हूँ कैसे ये आया, ये मेरा पॉइंट क्या है 20 मेरा क्या है बी, ये बी, हम बी से 80 जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, मतलब पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, कितना डिक्रीज किया जितना इसका एरिया, सो यहां से यहां तक मार्किंग पर पॉइंट सी है, सो यहां से यहां डिक्रीज किया मतलब वीबी माइनस वीसी इज इक्वल टू एरिया दैट इज हैंड, ये समझे ये समझे, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन में, मैंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक, मैं तो समझाऊँ तो हमको दिखाई दिए वो सिंपल एरिया से, हमें समझ कैसे आ रहा है सोचने का तरीका, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स में है मतलब एक्स के अलोंग जाएगा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा बिकॉज इफ यू मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ये हाई है ये लो है, सो इफ वी मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीज है, सो वी आर गोइंग फ्रॉम बी टू सी, वी आर मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, बाय इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय हाउ मच एरिया, पोटेंशियल डिक्रीज किया 100 से, मतलब सी लोअर है और ये हायर है, सो वीबी माइनस वीसी हो गया 100। अब यहां पे नीचे 8 to 12 सी टू ए, सी टू ए इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया नेगेटिव, पॉजिटिव था यहाँ ई नेगेटिव है पर माइनस, मतलब ए हायर होगा और सी लोअर होगा, यस और नो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है मींस ए हायर है और सी लोअर है, तो यहाँ आएगा वी ए माइनस वी सी, आया नहीं जितना एरिया है कितना है, तो हमको निकालना क्या है वी माइनस वी ए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कट गया, कितना गया 60,
से किए, आपको बताए लॉजिक से कैसे देखते हैं, आपको दिखाई दे। सो हम क्या यूज कर रहे हैं, इफ वी मूव अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, सो वी आर मूविंग अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिक्रीजेस, सो यहाँ पे बी हायर है सी लोअर है, तो बी भी माइनस बी से होगा तो सी लोअर है। यहाँ पे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव डायरेक्शन में है, मतलब ए हायर है सी लोअर है, ठीक है, बी माइनस बी सी होगा, क्लियर डाउट नहीं। एक तो सिंपल बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड है, कैसे कंजर्वेटिव फील्ड है आप कैसे चेक कर सकते हो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, ये बताया राइट। उसके बाद लेसर मीडियम फील्ड एंड पोटेंशियल दिखाया कि E इक्वल टू माइनस डेल डेल V बाय डेल X I कैप माइनस डेल V बाय डेल Y J कैप माइनस डेल V बाय डेल Z K कैप एंड V इक्वल टू माइनस ऑफ EX DX प्लस EY DY प्लस EZ DZ होल टू माइनस। फिर मैंने लिया एरिया अंडर EX कर्व इज माइनस ऑफ डेल्टा V and slope of Vx graph will give you minus of E, ठीक है। अब next point is equipotential surface, equipotential surface, equipotential surface as name suggests locus of points having same potential are called equipotential surfaces, are called equipotential surfaces। नाम से लग रहा है equipotential, डिक्रीज करता है राइट। ये सारे इसका अलग पोटेंशियल राइट। सो ये है इक्विपोटेंशियल, इसका मान लिया कुछ पोटेंशियल है 60 वोल्ट, इसका मान लिया कुछ पोटेंशियल है 20 वोल्ट, इसका मान लिया कुछ 10 वोल्ट है। गैप पे अगर हम इतना ध्यान नहीं दिए हैं कोई दिक्कत है। अरे अगर ये आर होगा ये क्या होगा, ठीक है इसका क्या, अगर ये आर है तो क्या होगा थ्री आर, बिकॉज ये के क्यू बाय, अगर ये के क्यू बाय आर है के क्यू बाय थ्री आर होगा और ये के क्यू बाय सिक्स आर होगा। अगर ये डिस्टेंस कुछ है मान लीजिए 1 मीटर, ये कितना होगा 3 मीटर, तब ना होगा कि अगर ये के क्यू बाय 1 है 60, के क्यू बाय 3 होगा 20 और ये होगा 6 मीटर, वो आपको देखना पड़ेगा कोई डिस्टेंस नहीं है। एनीवे उट सो ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, लोकस ऑफ पॉइंट्स हैविंग सेम पोटेंशियल, जहां का पोटेंशियल सेम है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। उसी का प्रॉपर्टी देखे, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस प्रॉपर्टीज, फर्स्ट इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये कभी भी इसे वो कट नहीं करेंगे। क्यों कि अगर मान ले कि एक सरफेस है इसका पोटेंशियल है 10 और ये है 20 वोल्ट, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों पे लाइक कर रहा है। अगर हम बात करें तो पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या होगा 10 या 20,
ये कहता है 10 होगा, ये कहता है 20 होगा, और एक पॉइंट का दो पोटेंशियल पॉसिबल नहीं है. सो दे कांट इंटरसेप्ट ईच अदर बिकॉज अ सिंगल पॉइंट कांट हैव टू पोटेंशियल. इसे ना बिकॉज अ सिंगल पॉइंट कांट हैव टू डिफरेंट पोटेंशियल्स. एम आई क्लियर? ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल सरफेस है, ये 20 वोल्ट का पोटेंशियल सरफेस है. अगर ये दोनों ये पॉइंट दोनों पे लाइट कर रहा है तो ये बोलेगा पोटेंशियल यहाँ का 10 वोल्ट है, ये बोलेगा पोटेंशियल 20 वोल्ट है. पॉसिबल नहीं है, एक पॉइंट का दो अलग अलग पोटेंशियल नहीं हो सकता है भाई. सो टू इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस कांट इंटरसेप्ट ईच अदर. एम आई क्लियर? ओके, सिंपल है. नेक्स्ट नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इसको समझाता हूं कैसे, आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस. हम पॉइंट चार्ज में देखें, पॉइंट चार्ज का फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करके हम दिखा चुके हैं कि कैसा वर्ड लिया आउटवर्ड, तो इसके परपेंडिकुलर है कि नहीं, आपको हम बहुत पहले एक्सप्लेन बता चुके हैं कि पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा रेडियली आउटवर्ड, इट्स अ रेडियली आउटवर्ड. सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू पॉइंट चार्ज. सो अगर ये रेडियली आउटवर्ड है सो इट्स परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस एट एवरी पॉइंट, बट ये रेडियल है, टेंजेंशियल है, हाँ नहीं दिख रहा है. आपको लॉजिकली बताएं क्यों होता है, ये तो आपको एग्जांपल दे रखा है. लेट्स गो अलॉन्ग. लेट्स से जो दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, मतलब इसके सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम, ए बी सी डी का जो पोटेंशियल सेम, तो इसके अलोंग अलोंग यहां पे इक्विपोटेंशियल हम लाइन की बात करेंगे, अलोंग इक्विपोटेंशियल लाइन ई डॉट डी आर क्या होगा, जीरो का डेल्टा वी माइनस ई डॉट डी आर, और इसके अलोंग डेल्टा वी जीरो है. VA equal to VB equal to VC equal to VD. So, अगर कोई डेल्टा वी है नहीं, so अगर ये जीरो है, इसका मतलब along this line E क्या होगा? So, along line E. मैंने बोला यहाँ पे इस हर पॉइंट पे E जीरो है. मैं बोला E का कोई भी कंपोनेंट इसके along नहीं है. E इधर हो सकता है. अगर E इधर होगा, तब भी E dot D अगर मान ली इसके होगा. E factor पर कर लीजिए. Let's assume. अगर E इधर है या E ऐसा ही हो सकता है, इधर भी E हो सकता है, अंदर. अगर E इसके परपेंडिकुलर है या ऐसा है तो यहां से यहां तक E dot dr क्या होगा, जीरो, बिकॉज dr इधर है और E इधर है, इट्स ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज एंगल इज 90. सो E dot dr. सो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इक्विपोटेंशियल है इसका मतलब यहाँ ये बिल्कुल नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे जीरो है. हम ये बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं कि ए बी सी डी पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, बस इतना बोल रहे हैं कि लेकिन इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट अलोंग दिस लाइन इज जीरो, बिकॉज ई डॉट डी आर जीरो, तो ई का कंपोनेंट इसके अलोंग हो सकता है, हो सकता है, उसका डिपेंड करता है, इधर भी हो सकता है. कोई डाउट? पक्का को डाउट है क्या? नहीं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लें किसी, ये मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस एक्सपर्ट प्लेट, और बोलते इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपर्ट के लोग ये मान लें कुछ एरिया 20 वोल्ट. अब E किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर, बिकॉज E का कंपोनेंट इसके अलोंग जीरो होना है, बिकॉज इस सरफेस पे E और dr जीरो है. हम अगर इसमें मूव करें किसी भी डायरेक्शन में पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ 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 पोटेंशियल हर जगह सेम है, लोकल सबसे पोटेंशियल है. सो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा?
इलेक्ट्रिक फील्ड अब इसके परपेंडिकुलर होगा। अब एरो पे जा रहे हैं ऊपर या नीचे, एरो पे जा रहे हैं ऊपर या नीचे, सो इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लोअर, सो हमको एरो इधर देना। बढ़ाओ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होगा हाई है टू लोअर। एम आई क्लियर? कोई डाउट है? इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वी पोटेंशियल पर इसके परपेंडिकुलर होगा एंड इट विल मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। सिंपल देते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स आर इक्वी पोटेंशियल सरफेस।
कैसा बना? देख कर नहीं। अब आपको ये दिया हुआ था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और ये एंगल 37। सो अगर ये 5 है ये कितना होगा? साइन टाइप इक्वल टू पी बाय एच, ये 3 मीटर और ये एम आई केयर। सो इसके अलावा तो देखो आप ध्यान देना, अगर हम कर रहे हैं ई डॉट डी आर, डेल्टा वी इक्वल टू ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर, डॉट लगाओ तब पास दो ऑप्शन, या तो आपको डेल्टा वी दिया हुआ है यहां से यहां 20, इनफैक्ट अगर यहां से यहां जाते हैं तो माइनस 20 माइनस माइनस E। तो तरीका या तो हम निकालते हैं dr along E, तो dr along E कितना है 3, E के along dr कितना है 3, so अब E और dr dr angle कितना हो गया 0 degree cos 0 1, so E आ गया। दूसरा अगर आप जाओगे बेसिक से, so delta V minus 20 equal to E, अगर ये dr लेते हैं ये है 5। अब देखो मेरा E किधर है, इधर, और dr है इधर, हमने इधर dr, हम E इधर है और dr इधर है, ये एंगल कितना है 53, 37 में कितना हुआ 53, मेरा E इधर है और हमने आपको dr इधर दिया है 5 मीटर, ये आपको हमने 37 दिया हुआ है, ये कितना होगा 53, तो cos 53 3 by 5। Again, equal to। तो दोनों जो आसान है या ना, E के लॉन्ग डी आर निकालो और सिंपल कर दो, E equal to डी बाई डी आर, E के लॉन्ग आप डी आर निकाल लो, ये 5 दिया हुआ, इसके लॉन्ग कितना होगा 3 मीटर, समझ गए ना, पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, am I clear? आपको दोनों में से जो अच्छा लगे, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हमने निकाला डी आर एलोंग E, सो E हमने पहले निकाला इसके परपेंडिकुलर है, अगर E इसके परपेंडिकुलर है और आपको ये दिया हुआ है 5 मीटर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये 5 है, ये एंगल 37 है, हमने E के अलोंग डी आर निकाल लिया 3 मीटर और सिंपली कर दिया 3 और E के अलोंग जब डी आर निकल गया 0.01 हो गया आगे। दूसरा हम कह रहे हैं बेसिक से डेल्टा वी इज माइनस 20, E हमको निकालना है, डी आर हमको दिया हुआ है ये 5, सो ये मेरा डी आर है, ये है मेरा 5, ये एंगल होगा 53, सो cos E A dot B A B cos theta, तो cos 53 का मैं सम भूल गया 3 by 5, 5 5 कैंसिल, फिर से सेम आंसर। सो अब आपको जो आसान लगे आप कर सकते हो, दोनों से मैं उतोला नहीं दिखा लेकिन हम इसको इधर कर चुके हैं, माइनस 20 इक्वल टू माइनस E इंटो 5 इंटो 3 by 5, क्लियर? तो मैं बार बार बोल रहा हूं, अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वहां पे E जीरो है, उसके अलोंग E का कंपोनेंट जीरो है, E विल बी परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्लियर? फॉर एग्जांपल दो पॉइंट्स ए एंड बी, ये है 30 वोल्ट, ये है 20 वोल्ट और ये डिस्टेंस है 5। क्वेश्चन विद द फॉलोइंग इज करेक्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग magnitude of electric field in this region, regarding magnitude of electric field, in this region, option A, it must be 12 volt per meter,
it may be greater than 12 volt per meter. It may be less than 12 volt per meter. कौन सा सही है रिगार्डिंग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन रीजन कंटेनिंग ए एंड बी? कौन करा फटाफट फटाफट हो गया? चलो कर देगा। अब भी बोला अगर हम मानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स करना कुछ भी हमें पता है, डायरेक्शन क्या हमें पता नहीं है, हमें पता है डेल्टा वी इक्वल टू माइनस ई माइनस ई डॉट। चलो हमें क्वेश्चन ना चाहिए तो कहने का इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नीट्यूड ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। हम लोग डेल्टा इक्वल माइनस ई डॉट आर यूज कर रहे हैं मतलब हम माने ई यूनिफॉर्म है। क्वेश्चन में आपको क्या माने चाहिए? ई यूनिफॉर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है। जब पिछला क्वेश्चन में ई का वैल्यू निकाला क्वेश्चन में दिया हुआ है देयर इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैं बोलना बार भूल जा रहा हूं ठीक है। तभी हम लोग अरे यार रियल मेरा फार्मूला ये था यहां से यहां कब आए थे इफ ई इज यूनिफॉर्म अगर ई यूनिफॉर्म है तो हम ये यूज कर सकते हैं। सो हमने जो भी कर मैं जब ये यूज कर रहा हूं वी हैव अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म डेल्टा वी माइनस ई डॉट आर ओके। अब डेल्टा वी कितना है फाइनल इनिशियल माइनस इक्वल टू माइनस ई चलो ई का मैग्नीट्यूड इनटू आर का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा माइनस माइनस कैंसिल सो ई इक्वल टू 60 बाय आर कॉस थीटा दैट इज 60 बाय 5 कॉस थीटा कल आर 5 मीटर। So, मेरा E जो आया वो आया 12 by cos theta, it's not 12. 12 कब होगा? When theta is zero, means अगर electric field इसके along होता, R के along, तब ये 12 volt per meter. But question से बोला E uniform है, किधर है नहीं बोला है? ये हो सकता इधर भी हो। अगर E इधर होता तो 12 होता, बस, but अगर E इधर आर मेरा इधर है यहां थीटा जीरो नहीं है सो कॉस थीटा इज लेस देन इक्वल टू 1 सो इन दैट केस या तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड 12 के इक्वल होगा या उससे ग्रेटर होगा इससे लेस नहीं हो सकता। ऐसा क्या होगा ये साइड में तो पूछा हुआ क्वेश्चन है तो हम गलती करते हैं सिंपल करते हैं 80 - 26 / 5 = 12 भाई अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है चलो यूनिफॉर्म है बट इसका डायरेक्शन हमको नहीं पता है डायरेक्शन हो सकता है एक्स के लॉन्ग हो एक्स के लॉन्ग नहीं भी हो अगर इसके लॉन्ग है तब होगा 12 वोल्ट पर मीटर बट अगर इसके लॉन्ग नहीं है सो थीटा कुछ हो सकता है सो इट डिपेंड्स ऑन थीटा फिर 12 बाय कॉस थीटा इट मे बी इक्वल और ग्रेटर देन 12 वोल्ट पर मीटर ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ पिछले क्वेश्चन के लिए उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म माने थे जो मैंने आपको ई निकाला 20/3
एंड इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ साइड ए फाइंड वी बी माइनस वी। फटाफट हो गया। पहली बात, हायर कौन है ए और बी में? इलेक्ट्रिक फील्ड गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, का मतलब ए हायर है और बी लोअर है। अगर यहाँ पे देखेंगे यार, ये इसका इक्विपोटेंशियल ऐसा होगा ना, मीन्स जो पोटेंशियल ए पे है वही यहाँ पे होगा सी पे और बी पे। ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सो ए का पोटेंशियल डी के इक्वल है, तो डी से बी पोटेंशियल घटेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अरे हाँ यार, घटेगा, मतलब बी का पोटेंशियल कम है। कितना कम है? दो ऑप्शन है, आइदर यू फाइंड डिस्टेंस अलोंग दिया अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अगर ये ए है ये 60 है तो कितना है ए बाई टू, अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड दिया कितना हो गया ए बाई टू ई इंटू ए बाई टू माइनस ए बाई टू, और इफ यू अप्लाई ई डॉट डी आर सो डी वी इक्वल टू डी वी है बी माइनस डी है, सो ई डॉट डी आर माइनस ई डॉट डी आर ई डॉट डी आर, सो ई इधर है डी आर इधर, ए से भी फाइनल से फाइनल, सो मेरा डी आर इधर है कितना है ए, और ई इधर है, ई इधर है डी आर इधर है, ये एंगल कितना है 60। हम पूरा फैक्टर ले रहे हैं, ई मेरा इस डायरेक्शन में है और दे आर गोइंग फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, सो ये इधर है सो ये एंगल 60 है, इनटू ई इन बॉडी इनटू मोड डी आर इनटू एंगल cos 60, फिर से आ गया माइनस आसान। चलो फाइन डीसी माइनस बी सेम ऑप्शन, डीसी माइनस बी है बहुत ही आसान है, डीसी माइनस बी क्या होगा तो सी प्लस इधर पोटेंशियल घट रहा है सी का कम होगा और डिस्टेंस की क्या होगी ए है तो माइनस ए हो जाएगा, है नहीं, और वी माइनस बी सी क्या होगा वी बी माइनस बी सी, इस टाइप का भी काफी क्वेश्चन आपको करवा दिया, कोई डाउट है यहां तक? नहीं, नेक्स्ट Let's assume you have been given equation of equipotential surface. If you have something x square minus y square equal to minus 2. सबसे क्वेश्चन हो सकता है ना, ये है प्रॉब्लम आपका नहीं, अरे x square minus y square equal to 20 volt, 30 volt, मतलब ये equation है. Then question is, find equation of electric field lines. Electric field lines. Option B, x equal to 1. Option B, x equal to 2. Option C, xy equal to some constant. What will be equation of electric field? हो गया। देखो हमने यहाँ पे equation of field line पूछा, हमने आपको electric field नहीं पूछा। अगर मान लिए क्वेश्चन ये दिया होगा v equal to मतलब यहाँ पे c कुछ पोटेंशियल है x square minus y square, तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा माइनस डेल वी बाय डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाय डेल वाई जे कैप, राइट, सो ये होगा माइनस टू एक्स आई कैप
प्लस टू एच दिक्कत यहां तक पढ़ावट। तो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड आया। ये हमने ये नहीं पूछा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्या है, मैंने पूछा ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का इक्वेशन क्या है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर बनाई वो क्या हुआ। दिस गिव डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, मैच एंड डायरेक्शन मीन्स ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रहा है, हमको वो नहीं, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करना है। मतलब अगर इलेक्ट्रिक और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को सारे पॉइंट्स का जो मैग्नीट्यूड है इस पर अगर हम एक्शन करेंगे तो मैग्नीट्यूड मिलेगा। और हमको जो पूछा है अगर सारे मैग्नीट्यूड को मिला के कर्व ड्रॉ करें तो कर्व क्या हो, कर्व का इक्वेशन पूछा मीन्स इसको रिप्रेजेंट करने वाला कर्व का इक्वेशन क्या होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका स्लोप क्या, स्लोप स्लोप क्या होगा, y कंपोनेंट बाय x कंपोनेंट 2y बाय माइनस x माइनस y बाय x स्लोप होता है dy बाय dx। सो dy बाय dx इज माइनस y बाय x, सो वी कैन राइट x dy इज इक्वल टू माइनस y dx, सो वी कैन राइट x dy प्लस y dx इक्वल टू सम कांस्टेंट a। Now, this is d of xy equal to 0. So, xy will be some constant. So, this is the equation of electric field line. लोग इससे कंफ्यूज करते हैं, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रहा है, मतलब किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ये होगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या है, इट इज कर्व टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आई हैव नॉट आस्क्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, आई हैव आस्क्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व। इसका एक और तरीका है, एक हमने इससे किया, सेकेंड मेथड में क्या क्या समझ में आया ना कि आपको v दिया हुआ है, हमने e वेक्टर निकाल दिया, मैं डिलीवर डिलेक्स आई कैप, मैं डिलीवर डिलीवर जे वाई जे कैप, इसका हो गया माइनस टू एक्स आई कैप, ये माइनस माइनस प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है माइनस टू वाई माइनस माइनस प्लस टू वाई जे कैप। So, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिप्रेजेंट करता है, तो उसका स्लोप क्या होगा 2y by minus 2x minus y by x, स्लोप निकल गया then dy by dx। मतलब ये जिस कर्व को रिप्रेजेंट कर, इसको जो कर्व रिप्रेजेंट कर इलेक्ट्रिक फील्ड को, उसका स्लोप ये है, तो उस कर्व का स्लोप है dy by dx, उससे हमने कर दिया। मेथड टू, ये अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा कि मुंता एक टेस्ट में दिए हुए अच्छा सर। मान लिए ये हमारा ये इक्वल सरफेस, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या है हमको ये दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसको डिफरेंशिएट कितना हुआ 2x माइनस, सो dy by dx इज इक्वल टू इधर जाएगा माइनस 2x बाय माइनस माइनस x ये ना, ये किसका स्लोप है, दिस इज स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इट गिव्स यू स्लोप ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस बिकॉज इसका इक्वेशन ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस का इक्वेशन ये है, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो हमको dy by dx निकला माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई, सो x बाय y। And we know electric field lines are perpendicular to equipotential surface. अब पता है इसका slope क्या हो जाएगा? Minus of, अरे हाँ ये पता है, m1 m2 होता है minus one का तो perpendicular surface है, तो slope of electric field line, उसको अगर कोई tangent देखेंगे तो उसका slope क्या होगा, दो tangent perpendicular है, m1 m2 equal to minus one, तो minus one by this, that is minus y by x. So what we got, dy by dx is equal to minus y by x. So again we got x dy equal to minus y dx. So x dy plus y dx is equal to 0. So d of xy equal to 0. So this implies xy equal to some constant. So am I clear? So ye jo tha, it was for equipotential surface, it was for equipotential surface. This equation is this.
हम इसका स्लोप निकाल लिया एंड वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर सरफेस, तो उसका जो स्लोप होगा माइनस वन बाय दैट होगा। ये हमने कर इस पे हमने कुछ अच्छा क्वेश्चन दिए हुए टेस्ट में, जो अभी हुए थे वो टेस्ट किया। ठीक है, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं, पक्का? सो टाइम भी हो गया है, सो हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे डायपोल, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उसका जो हम निकालेंगे फील्ड पोटेंशियल, ये सब बोर्ड में बहुत पूछता है, ले सकते हो, पूछा हुआ है, मतलब डायपोल का जो करवाएंगे सब कुछ बोर्ड में पूछता है, मतलब अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैटिक्स चैप्टर से बोर्ड में क्वेश्चन पूछता है तो मैक्सिमम चांस है डायपोल। अब क्वेश्चन पेपर पलट कर देख लो, कभी डायपोल का फील्ड निकालना, कभी डायपोल का पोटेंशियल निकालना, कभी डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब डायपोल से ही पूछता है मैक्सिमम चांस। बोर्ड के बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन इंपॉर्टेंट है, उसमें बहुत कुछ कराएंगे, तो बिफोर दैट आप पेपर रिवाइज करके आ जाना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, सब कुछ जितना कुछ रिवाइज करो बहुत कुछ यूज करेंगे, काफ़ी मैकेनिक्स यूज करेंगे, तो सब के लिए आपको हम सब कुछ करवाते हैं, रिवाइज ही होगा, राइट? सो ओके, बाय बाय, बाय।